नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर मैं और आप फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ आपको कुछ नई जानकारी दे सकें, कोई नई एजुकेशनल टॉपिक पे बात कर सकें। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले येस बैंक का करंट एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे हमें DMs में भी हमें मैसेज भी आए, काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में भी क्वेरी आई येस बैंक को लेके, क्योंकि यहाँ पर हम येस बैंक की लेटेस्ट न्यूज़ को लगभग डेली कवर करने की कोशिश करते हैं, उसके टारगेट को। तो यहाँ पर मैं आज बात भी करूँगा येस बैंक के बारे में, क्या आज की न्यूज़ है जो आके निकल के आ रही है और जो अभी का करंट प्राइस चल रहा है और आगे की क्या टारगेट हो सकते हैं। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, अगर पर्सनल फाइनेंस को लेके अगर आप एप्लीकेशन अभी ढूंढ रहे हैं तो जस्ट मनी एक काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी हमारी। तो यहाँ पर आज हम लोग येस बैंक की बात करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि एक तरह से Q&A सेशन भी है, कुछ क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर लूँगा जो कमेंट सेक्शन में हमारे पास आए थे, जो लोगों की क्वेरीज आई हुई हैं कि अभी हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग फिर से स्टार्ट हो गई, कल का जो स्टैटिक्स हमने प्रेजेंट किया था यहाँ पर खाली बाइंग दिख रही थी और सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही थी, या एक तरह से सेलिंग थी ही नहीं आप कह सकते हैं। और आज वही चीज़ फिर से होने लगी, जो चीज़ मैंने पिछले हफ्ते भी बोली थी, मेरी सारी वीडियो आप उठा के देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। मैंने बोला था जैसे ही यहाँ पर पिछले हफ्ते की तरह से फिर से वही सीन होगा, स्टार्टिंग में लो पे रहेगा, लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे, पोजिशन बनाएंगे, आखिरी में जैसे उन्हें मतलब भर का अपर सर्किट दिखेगा, जितने भी ऑपरेटर हैं यहाँ पर सेलिंग करके निकल जाएंगे। तो वही चीज़ फंस रही है यहाँ पर, लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा क्या करना है और अगला टारगेट 25 तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने एक टाइम में अचीव भी किया था। तो पहले यहाँ पर हम आज की करंट न्यूज़ को लेके थोड़ा सा पहले बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे भी इन चीज़ों को लेके और हम आपको दिखाएंगे कैसे क्या हो रहा है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक नोटिस टू द शेयर होल्डर्स आया है, यानी कि एक मेल आया है येस बैंक की तरफ से। अगर आपने उनके FPO में भी सब्सक्राइब किया होगा या फिर आप उनमें किसी भी तरह से पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, चाहे शेयर या किसी भी तरह से, आपको एक मेल आया होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, नोटिस टू द शेयर होल्डर को लेके आया है। यहाँ पर 16 जो एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है उसके लिए ये मेल आया है। सेप्टेम्बर 10 को होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसमें हम लोग वोटिंग भी कर सकते हैं, वोटिंग पावर भी रहेगी, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू AGM होना है, जो कि डेट आ चुकी है 10 सितंबर। आपको भी पता है AGM में काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आती और उस पर ज़रूर हमारी नज़र होनी चाहिए AGM के दिन पे, कि थोड़ी बहुत हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपडेट मिलेंगी येस बैंक को लेके, आगे कैसे ये सर्वाइव करने वाला, क्या टारगेट ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने वाली होंगी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दूसरी न्यूज़ दिखाना चाहूँगा, ये तो था जो मेल आया हुआ था इनकी तरफ से हमें। अब मैं यहाँ पर आपको लेके आता हूँ, जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बिजनेस businessline.com पे आपको लेके आया हुआ हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं येस बैंक सेल्स इंटायर स्टेक इन CG पावर, यानी कि ये न्यूज़ जो निकल के आ रही है कल रात से निकल के आ रही है और कल सुबह मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था दोपहर में। तो यहाँ पर येस बैंक ने जो इनका 10.12% जो यहाँ पर स्टेक था CG पावर में, इसको पूरा का पूरा स्टेक अपना सेल कर दिया है और इन्होंने यहाँ पर एग्जिट कर ली है। अगर मैं बात करूँ ट्रेंचेस में यहाँ पर सेलिंग करी गई थी थोड़े थोड़े अमाउंट में, और आखिरी जो दिन यहाँ पर इनकी ट्रेड बुक करी गई है वो अगस्त 18 को दिखा रही है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा अपने आप में फैसला है यहाँ पर जो इन्होंने लिया है। दूसरी न्यूज़ जो आ रही है उसके लिए मैं आपको ब्लूमबर्ग क्विंट की साइट पर लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं जी वर्सेज येस बैंक का जो यहाँ पर हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें येस बैंक को झटका मिला है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक क्वेरी सबमिट करी थी आप यहाँ पर कि उनके लेटर ऑफ जो गारंटी है उसको यहाँ पर नहीं माना जा रहा है, जो यहाँ पर उनके टाइम पे उन्होंने पैसे दिए थे। तो ये भी एक तरह से येस बैंक को थोड़ा सा आप कह सकते हैं झटका है यहाँ पर अगर हम देखा जाए। और तीसरी जो न्यूज़ आ रही है उसके लिए मैं आपको livemint.com पे लेके आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं येस बैंक ऑफर्स अप टू 7% इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट, लेटेस्ट FD रेट्स हियर। यानी कि येस बैंक ने अभी एक दो दिन पहले नई पॉलिसी निकाली है, जिसके हिसाब से जो भी इनका फिक्स डिपॉजिट है और जो भी अगर हम बात करें यहाँ पर रेट बढ़ा दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% तक दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स की, इंडिया में सबसे ज़्यादा बैंक में अभी ये परसेंटेज हो सकता है। मुझे पता है अगर इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे भी पता है कि काफ़ी लोग यहाँ पर पैसा सबमिट करेंगे, ठीक है बैंक के पास पैसा आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए,
बट उन्हें भी इंटरेस्ट देना रहता है, तो आपको ही पता है वो इंटरेस्ट का तरीका अलग रहता है। कंपनी बैंक यहाँ पर लोगों ने फिक्स डिपॉजिट किया काफ़ी टाइम के लिए, उससे वो कॉरपोरेट लोन भी दे सकती हैं, थोड़े बहुत यहाँ पर रिटेल लोन भी प्रोवाइड कर सकती हैं, और उससे ज़्यादा वो इंटरेस्ट कमा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक के लिए ये प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए माना जा सकता है, एक अच्छी खबर है। इसके बाद मैं आपको अब सीधे NSE की वेबसाइट पर लेके आऊँगा, ताकि आज का येस बैंक का हम देख सकें अभी का क्या हाल है। तो आप देख सकते हैं 15.90 रुपये के करीब ट्रेड हो रहा है, और आज का लो और हाई की मैं बात करूँ तो 15.35 रुपये तक का लो लिया, और हाई की मैं बात करूँ 16.40 रुपये तक का इसने आज हाई बनाया था। और अभी क्या है कि 0.63% अपर चल रहा है यहाँ पर, और अगर मैं बात करूँ लगातार हमें बीच में 1% 2% देखने को मिला है, बट आज 5% का अपर सर्किट ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको लेके आता हूँ जो आज की यहाँ पर जो मार्केट डेप्थ है, आप भी देख सकते हैं बाय क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी में अगर मैं आपको कंपेयर कराऊँ तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि क्या डाटा चल रहा है। कल हमें सेल क्वांटिटी नहीं दिखने को मिली थी, आज आप देख सकते हैं 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर शेयर सेल किए हैं यहाँ पर येस बैंक के। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा डाटा है जो इतनी ज़्यादा हुई है यहाँ पर सेलिंग, इस वजह से येस बैंक आज अपर सर्किट नहीं ले पा रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी यहाँ पर आखिरी में Q&A के सेक्शन को लेते हुए, जिन लोगों ने पूछा था कि अभी हमें एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, जैसे अभी बीच में 17 तक भी जाने वाला था, 16.00 पैसे के करीब पहुंच गया था, 50 पैसे के करीब, 17 तक भी जा सकता था अगर ये सारी चीज़ें ना होती। तो अभी देखने वाली बात ये है कि देखिए मैं आपको यही बोलूँगा, नया जो सपोर्ट लेवल बनने वाला है वो 17 रुपये बनने वाला है। यहाँ पर आगे जो 25 का टारगेट है वो अभी नहीं अचीव होगा, मैंने अपनी सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है, वो कम से कम अभी आपको 2 से 3 महीने नहीं देखने को मिलने वाला है। ये अभी खाली ऑपरेटर का खेल हो रहा है यहाँ पर, सेल करना, शेयर को बाय करना छोटे लेवल पे, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही अपर सर्किट लगता है वो एग्जिट कर जा रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो यहाँ पर अभी आपको परचेज करने की राय नहीं दूंगा, लेकिन हाँ अगर किसी ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर उठाए थे 11-12 रुपये के करीब, तो आप यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर फिर से वापस पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 15 से 13-14 के रेंज में आने दीजिए, अभी ये जल्दी ही आएगा, ऐसा नहीं है कि अपर ही जाता जाएगा, 15 से 14 के रेंज में भी आएगा, तब आप अपनी पोजीशन बनाइएगा, ताकि अगर बीच में फिर से लो लेना स्टार्ट करे तो आप पैनिक ना हो। यहाँ पर जो हमारी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि